कांग्रेस ने 70 सालों में सिर्फ लूटा है, उनके एक भी मंत्री एक नेता बता दिए जो 1000 करोड़ 200 करोड़ 500 करोड़ के मालूम नहीं है। जब इस तरह फर्जी नियुक्तियां की जाएंगी तो फर्जी लोगों को रोजगार दिया जा रहा है, सबल है उनको रोजगार दिया जा रहा है, और जो आज कमजोर वर्ग का उसको कहीं रोजगार नहीं मिला है। आपको लगता है मोदी सरकार अपने वादों को पूरा नहीं, कभी नहीं पूरा कर पाई है? क्या लगता है सत्ता में वापस आएगी? बिल्कुल परिवर्तन। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीआईबी इंडिया में। इस वक्त मैं मौजूद हूं आजमगढ़ जिले के शाहगढ़ में। एक बाज़ार है, एक मार्केट है, और जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे पीछे बहुत सारी यहां के स्थानीय जनता मौजूद है। बात वही है जिसके लिए हम लोग गली गली कूचे कूचे घूम रहे हैं कि कौन होगा 2019 का सरताज, किसके सर पर सजेगा 2019 का ताज। क्या नरेंद्र मोदी आएंगे एक बार फिर सत्ता में, या फिर भारत की जनता कोई करेगी बड़ा परिवर्तन। इन तमाम मुद्दों पे हम लोग के साथ बातचीत करने के लिए यहाँ पे बहुत सारे लोग मौजूद हैं। आप देख रहे हैं मेरे पीछे बहुत सारे लोग खड़े हैं। इन सब से बातचीत करेंगे कि 2019 में किसकी सरकार बनेगी, क्या नरेंद्र मोदी एक बार फिर आएंगे या राहुल गांधी होंगे परिवर्तन के तौर पे। तो देर ना करते हुए स्थानीय जनता से बातचीत करते हैं कि जो 5 साल का लगभग कार्यकाल पूरा होने जा रहा है केंद्र सरकार का, नरेंद्र मोदी सरकार का, भारतीय जनता पार्टी का किस तौर पे देखते हैं, क्या विकास हुआ है, जो वायदे हुए थे क्या वो पूरे हुए हैं कि नहीं हुए हैं, किस तरह से जनता क्या सोचती है उन सारे मुद्दों के बारे में, जनता को कितना फायदा पहुंचा है केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं, जो सरकार ने सुविधाएं जनता को दे रखी हैं, जिसका लगातार भारतीय जनता पार्टी प्रचार प्रसार कर रही है, अपने नेताओं को, अपने लोगों को, अपने कार्यकर्ताओं को आम जनता के बीच में भेज रही है और अपने क्रियाकलापों का प्रचार प्रसार करवा रही है। तो हम सीधे जनता से जानते हैं कि क्या फायदा हुआ है उनको और किसे चुनेंगे 2019 में। सर आप अपना परिचय बताएं। टीपी सिंह बताएं, 2019 में किसकी सरकार, नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी? भाई देश के लिए तो प्रधानमंत्री मोदी ही जरूरी है। मोदी क्यों जरूरी है? इसलिए कि जिसको नहीं जानकारी उसको मैं बता दूं कि कांग्रेस ने 70 सालों में सिर्फ लूटा है, उनके एक भी मंत्री एक नेता बता दिए जो 1000 करोड़ 200 करोड़ 500 करोड़ के मालूक नहीं है। और स्थिति है कि भाजपा के 4.5 साल के बीच में कोई करप्शन नहीं हुआ है, आज तक एक मंत्री पर उंगली नहीं उठा है। कांग्रेस तो सिर्फ सबको झुठला बहला रही है, सबको धोखा दे रही है और धोखा देगी। नरेंद्र मोदी के किसी 3 काम अच्छे कामों के बारे में अगर मैं पूछूं तो क्या? पहला, मैं देश का हूँ, देश से बड़ा कोई नहीं है। मैं काम की बात कर रहा हूं। मैं काम ही की बात कर रहा हूँ। इस विश्व पटल पे हमारा कहीं नाम नहीं था, हम कहाँ पोजीशन में थे, कहीं नहीं थे, लेकिन आज नरेंद्र मोदी एक ऐसे व्यक्ति हैं कि पूरे विश्व में मशहूर हो गए हैं और 4th स्थान मिला है उनको, और इसलिए मिला है। मैं आपको बता दूं आपके मीडिया के माध्यम से कि इस देश में पहले कांग्रेस ने इस हैसियत में छोड़ा था कि हमारा देश किसी से युद्ध करता तो सिर्फ 7 दिन कर सकता था उनके शासन में, आज हमारा देश 53 दिन लड़ सकता है, सिर्फ ये नरेंद्र मोदी की देन है। वो सिर्फ नरेंद्र मोदी की लोग क्या लगता है लड़ सकते हैं किसी से, किसी से भी लड़ सकते हैं। तो 2019 में कौन होगा प्रधानमंत्री? मोदी होंगे। आपका क्या कहना 2019 में किसकी सरकार? मोदी सरकार। क्या अच्छा काम किया मोदी ने? मोदी सरकार बहुत अच्छा काम किया, घर घर लैट्रिन दिए हैं, घर घर आवास दिए हैं, शौचालय आवास सब मिला है एकदम। सर मुझे तो नहीं लगा कि पूरा मतलब रोजगार मिला है, रोजगार नहीं मिला है। तो आपको क्या लगता है 2019 में कुछ ऐसी नीतियां रही हैं केंद्र सरकार की जो पूरी तरीके से जमीनी स्तर पर उतर नहीं पाए, उसका खामियाजा कहीं भुगतना पड़ सकता है? हाँ हो सकता है ना। जैसे क्या? भुगतना तो पड़ ही सकता है इनको, भुगतना पड़ सकता है। हाँ सर, कुछ लोगों ने कहा है कि कांग्रेस ने देश को 70 सालों में खोखला कर दिया, इसीलिए राहुल गांधी के लिए कोई जगह नहीं है, लेकिन हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या आपको लगता है ये सही है कि कांग्रेस ने 70 सालों में देश को खोखला किया था या किया है? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि शुरू से पूरा देश आज़ादी के समय पूरा देश कांग्रेसमय था, कांग्रेस के ही लोगों ने कुर्बानियां भी दी, और जो भी प्राइमरी स्कूल से लेके जो आईटी कॉलेज खुले ज़्यादातर कांग्रेस के ज़माने में खुले, जो भी चीनी मिल बनी और जितनी भी साले कल कारखाने बने हैं सारे कांग्रेस के ही दौर में। लेकिन यहाँ तो लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस ने कुछ भी नहीं किया 70 साल में। ठीक है, उन लोगों की जो विचारधारा है वो बता रहे हैं, जो मेरी है मैं वो बता रहा हूँ। कांग्रेस ने जो देश आज़ादी के समय से ही जो देश के लिए काम किया, मुझे तो लगता है सुई से लेके हवाई जहाज सारा कुछ उसी ने बनाया। हाँ ये जरूर है कि कुछ जो बनाता है उसमें कुछ आरोप लगते हैं, क्योंकि करने वाले पर भी आरोप लगते हैं,
और जहां तो मोदी जी पे भी लग गए राफेल को लेकर, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी, जबकि मोदी सरकार ने कहा था कि हम हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे और किसानों की आय डबल करेंगे। ये सारे लोग देख रहे हैं कि सांड और भैंसे और बछरुओं की वजह से किसान दिन रात उसको केवल हांक रहा है, फसल बर्बाद हो रही है, फिर किसान परेशान हो रहा है, फसल बर्बाद हो रही है, मोदी सरकार की योजनाएं लाभ नहीं। भावनात्मक तरीके से, चूंकि हमें किसी दलगत से संबंध न रखते हुए वास्तविक में जो प्लेटफार्म पे देखा जा रहा है कि फसलें किसानों की चरी जा रही हैं, जो युवा है वही किसान है, जो किसान रोजगार के मसले पे सरकार फेल है। आप एक बात हमको बता दीजिए, आपके मीडिया माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, हाँ। मेरे भाई एक बात बता दीजिए, मोदी गलत है, मोदी जुमलेबाज है, ठीक है, लेकिन आज इन लोगों को क्या हो सकता पड़ी कि सारे लोग एक हो रहे हैं जो एक दूसरे को देखना नहीं पसंद करते थे अगल बगल। मोदी जी का भी जो संगठन है भारतीय जनता पार्टी के साथ भी बहुत सारे उनके अलायंस है, बहुत सारी पार्टियां हैं, अपना दल वगैरह हैं, बहुत सारे लोग शिवसेना वगैरह से मिलके तो सरकार बनी थी, बिल्कुल बनी थी। हाँ, तो क्योंकि अगर विपक्ष एक साथ हो रहा है तो सत्ता पक्ष के लोग भी तो कहीं ना कहीं बहुत सारे दलों को मिलाकर, ये विपक्ष जो आप बता रहे हैं बीजेपी के साथ, ये जन्म जन्मांतर तक साथ थे शिवसेना से लिए, और जिनको कोई मतलब नहीं, ओम प्रकाश जैसे राजभर लोग आज स्टैंड कर चुके हैं, सिर्फ मोदी की देन है। पटेल जी आज एक मर गए लेकिन एक विधायक नहीं जीता पाए, आज मोदी की देन है कि उनके 2 सांसद 5 विधायक हैं। आपने ओम प्रकाश राजभर का नाम लिया, क्या मजबूरी है भारतीय जनता पार्टी की कि 4 विधायकों वाली पार्टी का हमेशा ओम प्रकाश राजभर हमेशा एक ऐसे स्टैंड पे रहते हैं, हमेशा बीजेपी को लताड़ते रहते हैं, आखिर ऐसी क्या मजबूरी है बीजेपी की उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती? जब एक बात मैं आपको बता दूं, वो अपने साथ गड़बड़ कर रहे हैं और बीजेपी के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, अगर यही बसपा सपा के साथ करते तो आज वो गठबंधन से बाहर होते, लेकिन उनको इज्जत मिल रही। रोजगार के ऊपर आते हैं, रोजगार में क्या किया सरकार ने? सरकार ने देखिए रोजगार में बहुत कुछ किया है और आज भी परीक्षा लोग दे रहे हैं, हो रहे हैं, ये कोई नहीं बता रहा है, लेकिन 2 करोड़ गिनवाना मेरे बस की बात नहीं है। 2 करोड़ कह दिया, ठीक है मोदी ने कहा है, लेकिन देश को ताकतवर सिर्फ मोदी बना रहे हैं। मैं आपको बता दूं, मुझे देश को ताकतवर चाहिए, मैं आलू भंटा टमाटर शिक्षा नहीं चाहिए, किसानों की हालत को सुधारना नहीं चाहिए। क्या आप क्या चाहते हैं, सारे लोग कर्जा ले लें? एक बात समझ लीजिए, ये जितनी भी सरकार है, चाहे बीजेपी को किसी की, ये सारी सरकार अगर सारे लोग कर्जा लेके देश को, आरबीआई का आपने पढ़ा होगा, देखा होगा, आरबीआई ने कहा कि अगर इस तरह से किसान को कर्जा माफ होता गया तो ये देश कहीं का रही नहीं रह जाएगा। ये कर्जा कहां से माफ कर रहे हैं? कांग्रेस अपने घर से माफ कर रही है। योगी सरकार ने भी तो किसानों का कर्जा माफ, मैं बोल रहा हूँ बीजेपी की भी मैं बात बोल रहा हूँ, ये कर्जा जो माफ हो रहा है ये देश के ऊपर अत्याचार, देश को नीचे ले जाया जा रहा है। कर्जा जो माफ हो रहा है वो देश के ऊपर अत्याचार है, कर्जा जो माफ हो रहा है वो देश के ऊपर अत्याचार हो रहा है। युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, 15 लाख कहाँ गए, नौकरियां कहाँ गई? क्या मोदी सरकार अपने वादों में अभी तक कायम है? उन्होंने जो वादा किया तो पूरा हुआ, आपको क्या लगता है? देखिए जहां तक मोदी सरकार की बात होती है, जहां तक बीजेपी की बात होती है, मैं बता देता हूं, अभी बड़े भाई ने कहा है कि बहुत रोजगार मिला है, बहुत नौकरियां मिल रही है। मैं आज बता दूं, उत्तर प्रदेश के राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेजों में संविदा नियुक्तियां खोली गई, लीडर लेक्चरर प्रोफेसर हाउस फिजिशियन और फार्मासिस्ट की, जिसमें 300 कुछ लोगों में 48 लोग ऐसे फर्जी पाए गए हैं जिनके पास, जिनका नाम रिजल्ट बना नहीं था। बात करिए कि मोदी सरकार ने जो वादे किए थे युवाओं को रोजगार देने का, क्या वो पूरा हुआ है? मैं वही बता रहा हूँ, जब इस तरह फर्जी नियुक्तियां की जाएंगी तो फर्जी लोगों को रोजगार दिया जा रहा है, सबल है उनको रोजगार दिया जा रहा है, जो आज कमजोर वर्ग का उसको कहीं रोजगार नहीं मिला है। आपको लगता है मोदी सरकार अपने वादों को पूरा नहीं, कभी नहीं पूरा कर पाई है? क्या लगता है सत्ता में वापस आएगी? बिल्कुल परिवर्तन होगा, इस बार मोदी का परिवर्तन होना आवश्यक भी है, क्योंकि डॉक्टर राम लोहिया जी एक अच्छे समाजवादी थे, उन्होंने कहा है कि अगर विकास चाहिए तो जिस प्रकार तवे पे रोटी को बार बार घुमाना चाहिए, पान को बार बार घुमाते रहना चाहिए, तभी विकास संभव है। इस प्रकार परिवर्तन आवश्यक है, परिवर्तन होना चाहिए। आपको क्या लगता है इनकी बातों से, कितना सहमत? मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, देश में विकास हो रहा है, चारों तरफ विकास है, केवल नजर से दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि भारत बड़ा। लोग कह रहे हैं कि वो जो सांड बछड़े हैं वो खेतों में घुस करके फसलों को बर्बाद कर रहे हैं, किसान परेशान है, किसान परेशान है, तो क्या उनकी हत्या कराई जाए, किसी जीव की हत्या कराई जाए, ऐसी बात नहीं है। उसके लिए हमें व्यवस्था करनी, गौशालाएं बन रहे हैं, गौशालाएं बन रही हैं। और आपसे बताऊं कि ऐसी गायें जो हैं
उनकी ईजाद हो रही है जिनसे केवल बच्चियाँ ही पैदा होंगी। बनारस में हमारे नज़दीक के ज़िले में एक संस्थान है जो इस पर कार्य कर रहा है कि भविष्य में बच्चियाँ ही पैदा हों। यानी आपको लगता है मोदी सरकार सही दिशा में कार्य कर रही है, उन्हें मौका देना चाहिए। सरकार बिल्कुल कर रही है, गरीब जनता के लिए उज्ज्वला योजना में गैस सबको दिया गया, शौचालय पूरे देश में शौचालय सबके लिए बन रहे हैं जो सड़कों पर गंदगी कर रहे थे। इसके बाद देखिए SC ST हब बना हुआ है, लुधियाना में खुला हुआ है, और गरीबों के लिए नौकरियां दी जा रही हैं, उनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण से क्या सबको नौकरी तो दी जा नहीं सकती, अगर उनको प्रशिक्षित करके हम कारोबार में रोजगार में लगा रहे हैं तो इससे ज़्यादा क्या है। एक बार अगर किसान का कर्ज माफ़ कर दिया जाए तो बार बार ऐसा करने से किसान जो है इस प्रकार का आदि हो जाता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कर्ज लें और उसके बाद दूसरी सरकार आएगी माफ़ करेगी, जिसमें छोटे किसान जो हैं वो कर्जे तो जमा कर देते हैं, इसमें बड़े किसानों का ही लाभ होता है कर्ज माफ़ी से अगर उनको वैसे अवसर दिए जाए। फसल बीमा सरकार चलाई है, सारी योजनाएं तो चल रही हैं, सारी योजनाएं सरकार चला रही है। जमीनी स्तर पे कुछ लोगों का कहना है कि काम हो रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि बिल्कुल भी काम नहीं हो रहा। लगता है आपको मोदी सरकार ने जो वादे किए थे वो सफल हैं? जी जी सफल है। कहीं गमछे का असर तो नहीं है? नहीं नहीं, गमछे हमारे बोलबम का है, बोलबम का हम बोलबम जाते हैं। हाँ, लेकिन मोदी सरकार हमको हमारे लिए बढ़िया है, बस हम ये कहना चाहते हैं मोदी सरकार हमारे लिए बढ़िया है। मोदी सर देख रहे हैं मोदी जी की बल्ले बल्ले हो रही है, चारों तरफ लोग बस मोदी मोदी कर रहे हैं। दोस्त मैं बता दूं आपके मीडिया के माध्यम से कि हमको ये पूरा देश जातिवाद में बटा हुआ है, लेकिन एक ऐसा प्रधानमंत्री आया है जो सारी जात को एक करके इस चुनाव लड़ना चाहता है, हर एक आदमी को लेकर चल रहा है। और आप 4.5 साल में 70 सालों में आप भूल चुके हैं, 4.5 साल में चाहते हैं कि सबको रोजगार हो जाए, सारे घर दिया बाती जलने लगे, ये संभव नहीं है, थोड़ा उनको मौका दिया जाए। अगर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोबारा सत्ता में आते हैं तो जो विकास की गति है यहाँ पे लोगों ने जैसा कि हमें बताया वो विकास की गति निरंतर बढ़ती जाएगी और पूरे देश में विकास देखने को मिलेगा, ऐसा लोगों का मानना है। हालांकि कुछ एक मुद्दों पर लोगों ने अपनी यहाँ पे असहमति भी जताई है, रोजगार के मुद्दे पर, शिक्षा के मुद्दे पर और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर लोगों ने अपनी असहमति जताई है, वो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी सरकार से संतुष्ट नहीं है। लेकिन ज़्यादातर ओवरऑल यहाँ पे लोगों ने बताया कि नरेंद्र मोदी वापस सत्ता में आएंगे, उनके काम अच्छे हैं और देश में पहली बार शायद ऐसा कोई प्रधानमंत्री मिला है नरेंद्र मोदी जैसा, यहाँ के लोगों का कहना है। खबर कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर भाजपा के लिए एक खुशखबरी भरी खबर हो सकती है। जो भी भाजपा के नेता या कार्यकर्ता इस खबर को देखेंगे निश्चित तौर पर उनमें नई ऊर्जा का संचार भी वो महसूस करेंगे। और आपको ऐसी खबरों से अपडेट कराते रहेंगे और लोगों की मन की बात को आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप लोग ऐसे ही देखते रहिए प्यासे CIB इंडिया न्यूज। शुक्रिया। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो खबर को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही स्क्रीन पर दिख रही घंटी को दबाएं ताकि आप तक हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें।